हाय फ्रेंड्स, और बात करेंगे रियल सोशेडाड और गेटाफे के बीच में जो ला लीगा का मैच है। देखिए, दोनों ही टीम्स, इवन दो काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन फॉर्म वाइज दोनों ही एक्चुअली अच्छा खेल रही हैं। दोनों ही सॉलिड टीम्स हैं इस समय। तो रियल सोशेडाड इस समय फिफ्थ पोजीशन पर है, और अगर आप उनकी बात करें, उनके स्टैट्स की बात करें, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि जस्ट एक आउटसाइड टॉप फोर है। 20 मैचेस में 33 पॉइंट्स हैं। हालांकि गोल डिफरेंस सिर्फ +1 का है, क्योंकि कई सारे हैवी लॉसेज उनके स्टार्टिंग में हुए थे। वहीं पर गेटाफे ने 21 मैचेस में 21 पॉइंट लिए। हालांकि अगर आपको याद हो, कुछ गेम पहले उन्होंने रियल मैड्रिड को भी हराया था, तो एक ये काफ़ी अच्छा एक संकेत है कि ये थोड़े कॉन्फिडेंट होंगे। और लास्ट के 4 मैचेस में से 3 गेम जीते हैं गेटाफे ला लीगा में, तो एक ये बहुत अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये टॉप लास्ट बॉटम 3 में ही चल रहे थे। अभी अभी जस्ट ऊपर आके थोड़ा सा अपवर्ड देखना शुरू किया है इन्होंने। देखिए, इस मैच में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कई सारे प्लेयर्स इसमें अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे प्लेयर मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सिलेक्ट किया। देखिए, माइकल मेरिनो 76% लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ, लेकिन ये एक मैच के लिए बैंड है, तो ये इस मैच में नहीं खेलेंगे। इनकी जगह पर इधर जुबिमेंडी खेलेंगे या रफिनिया खेलेंगे। वहीं पर फुल बैक के लिए भी यहाँ पर गोरोसबेल और डिएगो रेको खेलेंगे। और फॉरवर्ड लाइन में अगर मैं बात करूँ तो अलेक्जेंडर आइजैक, जो स्वीडिश इंटरनेशनल है, बहुत टीमों से इनका नाम जुड़ रहा है, वो इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। तो चलिए इस गेम में देखिए, यूजुअली इस गेम में 2-0 या 2-1 रियल सोशेडाड को जीतना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गेटाफे इसमें गोल स्कोर कर नहीं सकता। गोल इसमें काफ़ी स्कोर हो सकते हैं। दोनों ही टीम्स काफ़ी इस समय, जैसा मैंने आपको बताया है, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमने ओयरज़बाल को लिया है आगे, और इनको लेने का सबसे बड़ा कारण इनके स्टैट्स हैं। 7 गोल 1 असिस्ट 13 स्टार्ट्स में, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और आइसैक के जगह पे ये यहाँ पर नंबर 1 प्लेयर रहेंगे, और ये स्पेन के लिए भी खेलते हैं। वहीं पर उनाल अपनी टीम के लिए काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं गेटाफे के लिए, क्योंकि इनका भी जो रिकॉर्ड है वो बहुत स्ट्रांग है उनाल का। इन्होंने भी 7 गोल किए हैं टर्किश इंटरनेशनल ने 17 मैचेस में। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, इस वजह से हमने इनको भी टीम में जगह दी है। यहाँ पर एक हमने डिफरेंशियल पिक किया है सोरलोथ। देखिए, सिर्फ 1% लोगों ने किया है, लेकिन हमें लगता है कि इस गेम में ये स्टार्ट करेंगे। और नॉर्वेनियन इंटरनेशनल है, सिर्फ एक ही गोल किया, लेकिन काफ़ी बार गोल स्कोर करने के करीब आए, काफ़ी चांसेस इन्होंने क्रिएट किए हैं। 6 ही मैचेस स्टार्ट किए हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस गेम में ये आपका काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है। मिडफील्ड में अदनान जनुसाय, देखिए ये प्रीमियर लीग में भी खेले हैं। जनुसाय प्लेयर बहुत अच्छे हैं, और हमेशा ही काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है इनको देखने के लिए, क्योंकि इनका जो अंदाज़ है खेलने का वो बहुत ही इंप्रेसिव है। और 26 वर्षीय हैं, अभी भी बहुत युवा खिलाड़ी हैं। 11 स्टार्ट्स किए हैं, 2 गोल स्कोर किए हैं, ये आप अपनी टीम में ज़रूर लीजिए। वहीं पर इस मैच में, क्योंकि मेरिनो नहीं खेले हैं, तो मोस्ट लाइकली हमें लगता है कि जुबी मेंडी को स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। टैलेंटेड प्लेयर हैं, किया सिर्फ 1 असिस्ट है, लेकिन इस मैच में अटैक करने के बहुत मौके इन्हें मिल सकते हैं। वहीं पर हमने मैक्सिमोविच को लिया है गेटाफे के लिए। देखिए, मैक्सिमोविच के स्टैट्स की मैं बात करूं, 1 गोल 2 असिस्ट तो इन्होंने किया है, लेकिन इनके जो सबसे इम्प्रेसिव स्टैट्स रहे हैं, वो इनके डिफेंसिवली भी काफ़ी ये सक्षम प्लेयर रहे हैं, बिकॉज़ इन्होंने अपनी टीम के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है डिफेंसिवली। और मैं ये आपको स्टैट से बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 47 इंटरसेप्शन और 25 टैकल किए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। मिलाकर 72 का रिकॉर्ड हमेशा बहुत अच्छा माना जाता है, 72 इंटरसेप्शन प्लस टैकल्स। तो हमें लगता है कि ये आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। चलिए, बात अगर डिफेंसिव प्लेयर्स की करें, तो देखिए एलिस टोंडो इस समय वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं डिफेंसिवली। इनफैक्ट ला लीगा में काफ़ी इनका नाम चर्चा में है बिकॉज ऑफ हिज गेम। और इनके अगर मैं बात करूं स्टैट्स की, स्पैनियर डिफेंडर 3 गोल 1 असिस्ट 16 मैचेस में, कि एक डिफेंडर के लिए बहुत अच्छा स्टैट है, ये 100% आप टीम में लीजिए। वहीं पर सुआरेज, देखिए बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा काफ़ी टाइम तक तगड़े रहते हैं, जैसे यूरोगेन इंटरनेशनल डर्मियन सुआरेज रहे हैं। 58 क्रॉसेस, सबसे ज़्यादा क्रॉसेज शॉट क्रिएटिंग एक्शन टीम के लिए इनके हैं। 34 इंटरसेप्शन है, और 36 टैकल है, 36 टैकल भी सबसे हाईएस्ट है। तो 70 इंटरसेप्शन प्लस टैकल और इतने सारे चांसेस क्रिएट करना, तो ये इस टाइप के खिलाड़ी अगर डिफेंस में खेलें, आप इनको नहीं इग्नोर कर सकते। और तभी 84% 84% लोगों ने इनको लिया भी है, और ये आपकी टीम में पहला नाम होना चाहिए अगर आप कुछ भी गेटाफे से सिलेक्ट कर रहे हैं तो।
वहीं पर 8 की वैल्यू पे लिस्टेड है, हमें नहीं पता ये 8 पे क्यों लिस्टेड है ओलिवेरा, क्योंकि मैथियस ओलिवेरा अगेन 18 मैचेस में इन्होंने एक गोल एक असिस्ट किया है, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आप इनके डिफेंसिव स्टैट्स की भी बात करें तो वो भी बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता इनकी वैल्यू को 8 क्यों करा हुआ है, ये मेरे भी समझ से परे है। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है कि कल को बहुत एक्सपेंसिव लिस्टेड प्लेयर अगर कोई स्टार्ट करे तो आपके पास बजट बच सकता है, क्योंकि आप इनको ले सकते हैं। 39 क्रॉसेस जो सेकेंड हाईएस्ट है आफ्टर डामियन सुआरेस अटैक बनाने में, 42 इंटरसेप्शन और 33 टैकल। देखिए इनका इंटरसेप्शन प्लस टैकल की वैल्यू 75 है और डामियन सुआरेस की 72 थी, तो ये दोनों ही इतने शानदार खिलाड़ी हैं कि आप इनको दोनों को टीम में अपनी जगह दीजिए। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इसलिए हमने इनको टीम में जगह दी है। और जो यहाँ पर कीपर रहेंगे वो सोरिया रहेंगे, जो गेटाफे के कीपर हैं। तो देखिए ये टीम अभी हमने बनाई है, लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कोई प्लेयर में भी स्टार्ट करें ना करें वो भी टीम हम आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगी। हम आपसे बस यही आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, और बाकी भी ड्रीम इलेवन टीम्स के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।